गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आरसी एजुकेशन हब। टुडे वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोपोड एंड डायपोड सीड। स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोपोड एंड डायपोड सीड्स। ओके, आज अपन मोनोपोड और डायपोड सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। So first of all, we'll see the structure of dipod seed, and the dipod seed's example is gram. Dipod seed के example क्या है? Gram, चना, इसकी अपन बात करते हैं। So actually होता क्या है? Seed जो है इसके basically तीन part होते हैं। Seed के mainly तीन part होते हैं। Number one is seed coat. Number second is embryonal axis, and number third is stored food. सीड कोट जो है दैट कैन बी यूनिलेयर और दैट कैन बी बायलेयर। सीड कोट जो है वो एक लेयर से मिलकर बना हो सकता है और दो लेयर से मिलकर बना हो सकता है। वैसे इनके नाम होते हैं टेस्टा और टैंगमेन। केवल टेस्टा में प्रेजेंट हो सकता है या फिर दोनों लेयर टेस्टा और टैंगमेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जितने भी डायपोड सीड होते हैं, मोस्ट ऑफ द डायपोड सीड कैसे होते हैं? बाय टैंगमेन, या फिर दोनों लेयर पाई जाती हैं, बाय लेयर होते हैं। सीड कोट हमेशा बाय लेयर होता है, जिसके अंदर एक लेयर को क्या बोलते हैं? टेस्टा, और दूसरे को क्या बोलते हैं? टैंगमेन। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल। फूड जो है बेसिकली किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? कोटिलेडन या फिर एंडोस्पर्म के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? कोटिलेडन या फिर एंडोस्पर्म के फॉर्म में जो है फूड स्टोर होता है। एंड थर्ड पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस भी देखने वाले हैं अपन। ये आपको जो एक सीड की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर अपन देखते हैं देयर आर टू कोटिलेडन्स। नंबर वन कोटिलेडन, नंबर टू कोटिलेडन। बोथ कोटिलेडन्स आर सराउंडेड बाय सीड कोट। सीड कोट इज अ बायलेयर्ड स्ट्रक्चर। आउटर इज नोन एज टेस्टा एंड इनर इज नोन एज टैग्मेन। इन द कोटिलेडन फूड इज स्टोर्ड। कोटिलेडन के अंदर फूड क्या है? स्टोर्ड है। अब बात करते हैं अपन एम्ब्रियोनल एक्सिस की। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो दोनों कोटिलेडन के सेंटर या फिर बीच के अंदर पाया जाता है, जिसका ऊपर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज प्लूमूल, और नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज रेडिकल। प्लूमूल हमेशा किसको फॉर्म करता है? रूट को, सॉरी प्लूमूल हमेशा फॉर्म करता है स्टेम को, एंड रेडिकल हमेशा किसको फॉर्म करता है? रूट को। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। सेंटर वाला जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज कोटिलेडरी नोड। जो भी एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर जो सेंटर वाला पार्ट होता है, दैट सेंटर पार्ट इज नोन एज कोटिलेडरी नोड। अब ऐसा पार्ट जो कि प्लूमूल और कोटिलेडरी नोड के बीच में पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन एपिकोटाइल। और ऐसा पार्ट जो कि कोटिलेडरी नोड और रेडिकल के बीच में पाया जा रहा है, दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। एंड दैट होल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग प्लूमूल, एपिकोटाइल, कोटिलेडरी नोड, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, All things are collectively known as embryonal axis. So this is the structure of a typical seed, a typical dipod seed. And किसकी स्ट्रक्चर है? ये जो है ग्राम की स्ट्रक्चर है। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं मोनोकोट सीड। मोनोकोट के अंदर किसका एग्जाम्पल ले रखा है अपन ने? बीज का। मोनोकोट सीड के अंदर भी जो है सीड चारों तरफ से सराउंडेड होता है, जिसके अंदर सीड की जो सीड का जो कोट होता है वो और फ्रूट वॉल दोनों फ्यूज्ड होती हैं। सीड कोट प्लस में फ्रूट वॉल दोनों फ्यूज्ड होती हैं। फ्रूट वॉल इज आल्सो नोन एज पेरिकार्प। दैट विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर कि फ्रूट वॉल क्या होती है। सीड कोट और फ्रूट वॉल जो है दोनों फ्यूज्ड पाए जाते हैं। इसके अंदर जस्ट जो है जस्ट सीड कोट के अंदर जो है एक प्रोटीनियस लेयर पाई जाती है। दैट प्रोटीनियस लेयर इज नोन एज एल्यूरोन लेयर। प्रोटीनियस लेयर को अपन क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। एल्यूरोन लेयर के नीचे जो है स्टार्च या फिर वी कैन से स्टोर्ड फूड मटेरियल पाया जाता है, एंड दैट स्टोर्ड फूड मटेरियल इज नोन एज एंडोस्पर्म। और ये नेचर के अंदर स्टार्ची होता है। जस्ट बिनेथ द एल्यूरोन लेयर देयर इज फाउंड एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो इज कनेक्टेड विद द कोटिलेडन। जस्ट इस लेयर के नीचे एम्ब्रियो पाया जाता है, और एम्ब्रियो किससे कनेक्टेड होता है? कोटिलेडन से कनेक्टेड होता है। इन मोनोकोट सीड द कोटिलेडन्स आर आल्सो नोन एज स्कूटेलम। स्कूटेलम दीज आर आल्सो नोन एज स्कूटेलम।
और जो एम्ब्रियो है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज कोलियोप्टाइल, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज नोन एज कोलियोराइजा, दैट इज नोन एज कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल को किसको फॉर्म करता है? स्टेम को, और कोलियोराइजा किसको फॉर्म करता है? रूट को। तो दैट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिक सीड। ये मोनोकोट, ये डायकोट की स्ट्रक्चर है, वो मोनोकोट की स्ट्रक्चर है। डायकोट सीड के अंदर आपको दो कोटिलेडन दिख रहे हैं, नंबर वन नंबर सेकंड, और मोनोकोट के अंदर आपको केवल एक ही कोटिलेडन दिख रहा है, एंड विच इज फ्यूज विद एम्ब्रियो। किससे फ्यूज है वो? एम्ब्रियो से फ्यूज है। एम्ब्रियो आगे चलकर जो है प्लांट को फॉर्म करता है। एम्ब्रियो का अपर पार्ट इज नोन एज कोलियोप्टाइल, लोअर इज नोन एज कोलियोराइजा। इन द सेम डायकोट कोलियोप्टाइल इज नोन एज plumule and coleoriza is known as radicle. So these are the typical structure of monocot and dicot seeds. I hope you have understood that what is monocot seed, what is a dicot seed, what are the structures of monocot and dicot seed. There is quite a difference in dicot seed. Seed coat and fruit coats are fused. Just seed coat के नीचे एक protein layer पाई जाती है, उसको alveolus बोलते हैं। Alveolus के अंदर जो है stored food पाया जाता है, endosperm। जस्ट इसके नीचे जो है एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो कोटिलेडन से कनेक्टेड होता है, कोटिलेडन को स्कैटुलम बोलते हैं, और एम्ब्रियो की दो, एम्ब्रियो की जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं, नीचे वाले को कोलियोराइजा बोलते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।